सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप सोच रहे हैं कि आप YouTube, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग YouTube पे वीडियोस अपलोड करके पैसे कमा के ऑडी, मर्सिडीज, BMW या फिर कोई स्पोर्ट बाइक या फिर कोई नया आईफोन खरीद सकते हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मेरी चैनल पे 1,00,000 व्यूज कंप्लीट हुए टोटल, कोई एक वीडियो पे नहीं, जब मेरी चैनल पे 1,00,000 व्यूज कंप्लीट हुए तब YouTube ने मुझे कितने पैसे दिए। टोटल मैंने अपनी चैनल पे 37 वीडियोस अपलोड किए और 37 वीडियोस के जो व्यूज है उसे मिलाए तो कुछ होते हैं 1,06,000 के आसपास। अभी 1,06,000 व्यूज से YouTube ने मुझे कितना पैसा दिया वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आई नो आप में से काफी सारे लोगों के जिसने अभी अभी YouTube स्टार्ट किया या फिर YouTube स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों ने सुना होगा जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास पैशन तो YouTube स्टार्ट करो, पैशन है तो YouTube स्टार्ट करो, या फिर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो YouTube स्टार्ट करो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए YouTube स्टार्ट मत करो। सो व्हाई इज दैट? क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए YouTube स्टार्ट कर सकते हो? इफ यू आस्क मी देन आई विल से यस, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी YouTube स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप सोचोगे कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो इस बात के लिए मना क्यों करते हैं? बिकॉज आप YouTube सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो ऑन YouTube। वेल, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाई यू वोंट बी एबल टू ग्रो ऑन YouTube अगर आप सिर्फ पैसे के लिए YouTube करते हैं। बट अभी टाइम हो गया रिवील करने का कि मुझे 1,00,000 व्यूज के YouTube ने कितने पैसे दिए। सो मेरे 8 महीने की मेहनत के बाद, 37 वीडियोस के बाद 1,00,000 व्यूज आए मेरी चैनल पे टोटल, और इसके YouTube ने मुझे पैसे दिए जीरो। यस, यू हार्ड इट राइट, YouTube ने मुझे कुछ नहीं दिया 1,00,000 का, क्योंकि अभी जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेरे वॉच आवर्स है वो सिर्फ 3,000 के आसपास है, 4,000 नहीं हुए है। यस, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब एक कंडीशन मेरी टिक है, दूसरी जो कंडीशन होती है वॉच आवर्स की वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये रहा आपके सामने 1,00,000 व्यूज के बाद, 8 महीने की मेहनत के बाद, 37 वीडियोस के बाद जीरो इनकम है मेरी यूट्यूब पे। बट आई थिंक सो कि नेक्स्ट 1 एंड 1.5 मंथ्स में मेरा 4,000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कंप्लीट हो गया देन एड्स आएंगे और थोड़ा सा रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जब फर्स्ट पेचेक आता है यूट्यूब से तो वो कितने का आता है और कितना टाइम लेता है वो आने के लिए, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि पैसों के लिए YouTube स्टार्ट मत करो, क्योंकि मेरे 8 महीने और 40 वीडियोस के बाद भी मुझे जीरो पैसे मिले YouTube से। तो अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए YouTube करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि 8 महीने तक आप लगातार वीडियोस अपलोड करते रहेंगे बिना कुछ पैसे कमाए। YouTube है वो आपका 9-to-5 जॉब जैसा नहीं है कि आपको पहले ही मंथ से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट है, काफी क्रिएटिव चाहिए और उसके साथ साथ काफी पैशंस और पैशन चाहिए, तो आप लगातार वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। अगर आपका कोई वीडियो वायरल हो गया है, 1 या 2 महीने में आपको 1,000 सब्सक्राइबर भी मिल गए और आपके वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो सबके साथ नहीं होता है। सो अगर सिंपली मैं बोलूं तो आपके पास अगर वीडियो बनाने का पैशन है और इतना सारा या 8 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल बिना पैसे कमाए वीडियोस अपलोड करने का पैशंस है आपके पास, देन आप YouTube पे डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप YouTube पे पैशंस नहीं है, 2-3 महीने आपने अपलोड किया, कुछ रिजल्ट नहीं और YouTube छोड़ दिया, तो जैसे मैंने पहले बोला था आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वेल, YouTube से मुझे भी पैसे कमाने, ऐसा नहीं कि मैं मुफ्त में पूरी जिंदगी ये करता रहूंगा, ऑब्वियसली मुझे भी पैसे कमाने और जितने भी क्रिएटर्स है YouTube पे सबको पैसे कमाने, बट उनका जो प्राइमरी गोल होता है ना, वो प्राइमरी गोल होता है YouTube पे वीडियोज अपलोड करना, अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करना, अपने सिनेमेटिक शॉर्ट्स को या फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है इनको इम्प्रूव करना। बट अगर आपका प्राइमरी गोल सिर्फ पैसे कमाना है, देन यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योर ग्रोथ, या फिर आपका ग्रोथ ही नहीं होगा और आप YouTube अल्टीमेटली छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा कि आपका जो पैशन है उस पे आप वीडियोस बनाएं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल गुरुजी के 18 या 19 मिलियन या फिर 17 मिलियन सब्सक्राइबर है तो आपने एक टेक चैनल खोल दिया, या फिर कैरी मिनाटी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर है तो आपने एक रोज चैनल खोल दिया। आपका जो पैशन है, चाहे बाइक हो, कार हो या फिर कुकिंग हो, उस पर चैनल बनाए, क्योंकि आपका जो काम है वो आपको काम नहीं लगेगा और आपका जो ग्रोथ है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपके पैशन में आगे आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नीचे मुझे कमेंट में भी बताएं कि क्या आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और एक और बात, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे 4,000 वॉच आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपका भाई थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। सो डू शेयर वीडियो।